अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम लोग 7 डेज़ का चैलेंज लिया है, मतलब 7 डेज 7 अलग अलग फूड स्ट्रीट्स कवर करेंगे। And how can we not remember Randher when it comes to street food, especially from the area connecting bus stop to Teen Batti? यहाँ पे सुबह से शाम तक अलग अलग टाइप्स के स्ट्रीट फूड लगते हैं। By food streets, I mean those streets जहाँ पे 5 से ज़्यादा स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स अवेलेबल है। ये रांधेर में मेरी शॉप 73 से है। अपनी दुकान को 13-14 साल हुए, 20 साल पुरानी है हमारे। मेरे को 20 बरस हो गए। इसी है ना? हाँ, उसे तो बनिया की आलू पूरी इंडिया की है। खाली शॉप करीबन 40 साल पुरानी शॉप है। यहाँ पे एक लेडीज थी, खज्जा इनका नाम था, उन्होंने पहले शुरुआत करी थी आलू पूरी। चलो जैसो, गिव मी द रिव्यू। पहले मुंह में डाल। डे वन शूट, आई डोंट नो नंबर व्हाट। और अभी हम लोग खाने वाले हैं दूसरा प्लेट ऑफ खाउसा। अभी तो दो ही चीज़ खाई, उसमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खा लिया। रांधेर की बात है और खालिद के आलू पूरी ना, ऐसा हो नहीं सकता। सो एक और टेस्टी, दैट इज मालपुआ। अंकल नहीं अलाउ कर रहे वीडियो बनाने के, लेकिन वो भी यहाँ का बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। ये हमने ऑर्डर किया, ये चाचा ने हमें मुफ्त में दिया। कैसा है? बहुत ज़्यादा ऑसम। ये रमजान की आइटम है और ये रमजान में ही बना था, साल में एक बार ही, क्योंकि अभी ये लॉकडाउन के हिसाब से मैंने कंपलसरी चालू कर दिया। अभी तो अपने को रांधेर का पूरा कल्चरल फूड सबको दिखाना है, तो हम कोशिश करेंगे कि सबके सब कवर हो जाए। के जाने माने हर्षल और जूना, इलियास भाई और अबू भाई। मेरा नाम अबू भाई है, मेरा घायल से पहचान है और इलियास भाई की पहचान तातिया बिच्छू से है। और ये हमारे रामदेव की प्रख्यात है की दुकान, उसके अलावा कोई मिठाई की दुकान नहीं होती। दादा परदादा का है, इसको तो बहुत जून है। सुबह से हम लोग ने कुछ ज़्यादा ही खा लिया है। हेलो, दिस इज़ डे टू ऑफ आवर फूड स्ट्रीट एक्सप्लोरेशन ड्राइव एंड वी आर एट रुवाला टेकरा। और ये प्लेस को माना जाता है खाउदर के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल्स हैं एंड वी आर गोना एक्सप्लोर द सीन। मेरे पहले चला रहे थे अलग से, उससे पहले की ला रही है। आप 35 साल से, आपके पहले भी कोई और था, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया।
पहले तवा कितना है? 15 तवा है। और आपकी शॉप कितनी पुरानी है? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। हमारा इधर आगे लारी चलता था, बाद में ये पूरा बिल्डिंग लिया और उसमें पूरा ये पूरा बिल्डिंग तो ऊपर के आपकी होटल वो ऊपर टेबल एवल सब खाने के लिए फर्स्ट फ्लोर में और उसके ऊपर वो वर्करों को रहने के लिए जगह है। ये लोग इधर ही रहते वाले में इसके साथ कोई सांभर भी है, सिर्फ प्लेट डोसा चटनी एंड सारी आइसक्रीम गिरेगी। दिस हैज बीन द मोस्ट अनमैनेजेबल डिश ऑफ द डे बट इट इज अगेन इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिलीशियस एज वेल। दिस इज अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड जिसे एंटायरली SMC ने फॉर नाइट फूड मार्केट डेडिकेट किया है। आई लिव इट ऑन यू टू कंसिडर इट इन द स्ट्रीट फूड और नॉट, बट आई पर्सनली कंसिडर इट बिकॉज आई थॉट कि ये पूरा एरिया क्योंकि डेडिकेटेड है तो उसको कंसिडर करने में कोई बुराई भी नहीं है। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर सम ऑफ द फूड डिशेस। मेरे ब्रांड का नेम बॉम्बे टू गोवा जो 2010 में ओपनिंग हुआ था। नाइट बाजार को 8 इयर्स हुआ और हमारी बॉम्बे टू गोवा को 10 साल हो गए। तो आप पहले कहाँ पे थे? स्कॉल मॉल का मॉल पे लारी लगाते थे। आप लारी लगाते थे? हाँ, यस यस। 4 साल हो गए ऐसे तो। हाँ, पानी पूरी सिर्फ मेरे यहाँ पे, पूरे चाट आइटम सिर्फ मेरे यहाँ पे ही मिलते हैं। कैसा है? कैसा है? स्वाद तो पता लग रहे थे। कैसा है? अच्छा, मुझे तीखा नहीं लग रहा है, मस्त है। ऐसे मार जाना बन गया। What is it famously known for? Famously known for the pizzas, especially the cheese blast pizzas over here. Cheese blast is the most famous one. Yeah. So we'll go for cheese blast today, right? Yeah. इसके पहले जो शॉप में हम लोग ने पूछा ना, लाइक मेरे को नाम नहीं बताना, लेकिन उनका रिएक्शन इतना रूड था, लाइक कम ऑन यार, इट्स नॉट दैट वी आर आस्किंग फूड फॉर फ्री और समथिंग, वी आर गोना पे ऑब्वियसली, वी जस्ट आस्क देम कि यार क्या आपकी शॉप को कवर कर सकते हो, एंड हाउ वाज द रिएक्शन वाज लाइक ऐसे ऐसे आगे जाओ करके। तो दीज आर द ट्रबल्स दैट अ व्लॉगर हैज टू फेस इन देयर लाइफ, बट दैट इज हाउ इट इज। देखो ये केशा है, हमारी फ्यूचर व्लॉगर। केशा क्या करती है बता? हेलो, हाय गाइस, ये मेरा पिज्जा है, ये मैं कोल्ड डिनर में किसी को नहीं दूंगी, सारी पिज्जा होगी। हाय, तो हमें इतना लंबा पिज्जा, इतना बड़ा पिज्जा, इतना हैवी पिज्जा खाने वाले हैं। आई थिंक ये मिस वंडर खा नहीं पाएगी। मिस वंडर नहीं, बी विद पॉज। या बी विद पॉज, हमारे नए नाम से थोड़ी तमीज दे दो प्लीज। हाँ, या बी विद पॉज, आई कांट फॉरगॉट मिस वंडर, दैट्स व्हाई। हो गया, चलो बोल। हाँ बोल, अच्छा बोल, बुरा बोल, कुछ तो बोल। बहुत अच्छा ये उठा रहे वो आया। मस्त पूरा चीज का तड़ाका ही है। सिसलर, ये क्या है? हमारे यहाँ पराठे में बढ़िया बेस्ट मिलता है। 26 साल हो गए मुझे यहाँ। अरे नहीं, ये दुकान। हाँ, कितना 8 साल पहले कहाँ पे था?
पहले अभी भी दुकान है हमारा कहाँ पे? रोड पे, एक का नाम तिरंगा हाउस पे सर। नींबू के नींबू अपना बियाती रोड पे। फिलहाल हम लोग है कृष्णा वन पराठा पे। हमने कुछ पराठा ऑर्डर किया है, वो आने वाला है। और हमने जो डेंस पिज्जा का पिज्जा खाया वो टोटली वी वोंट फॉरगेट द एक्सपीरियंस, वी वोंट फॉरगेट हाउ ही टोल्ड द स्टोरी एंड इट वाज लाइक एंटायरली फॉर फ्री। ही पेड फॉर अस और मे बी ही जस्ट गेव इट फॉर फ्री और यू कैन से दैट पार्ट वाज स्पॉन्सर्ड बाय हिम। पराठा गाइस मैं खाने वाली हूँ, ये बहुत गर्म है। बोलो बोलो। पहले डिप करूंगी मायोनीज में, उसके बाद हम डिप करेंगे सॉस में, देन वी विल ईट। सो यम्मी। अपना नाम बोलो। विक्रम सिंह। हां विक्रम भाई। विक्रम भाई थैंक यू, पराठा काफी अच्छा था। सो आवर लास्ट स्टॉप इज नो लास्ट सेकंड स्टॉप इज दिस पानीपुरी एंड दिस शॉप इज ऑफ आपकोली अपने बारे में संजय। Okay. बहुत कुछ है, अमृतसरी चुरचुनान है, छोले कुलचे है, तंदूरी स्टार्टर्स है। पनीर टिक्का खाया, पिज्ज़ा खाया, पराठा खाया और क्या खाया, फ्रेंकी खाई, नाउ वी आर पानीपुरी खाई, अब कॉफ़ी। okay. यहाँ तक तो आ गए लेकिन यहाँ पे वो स्टॉल नहीं मिले जिस स्टॉल के लिए हम इतनी दूर आए थे। नहीं इट्स नॉट लाइक दैट, आवाज़ नहीं आ रही होगी लेकिन अगर आवाज़ आ रही होगी तो ये भी चल जाएगा। हम लोग ये पालनपुर पाटिया पे है और यहाँ पे क्या ना दो या तीन स्टॉल ही है, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि इसको फूड स्ट्रीट में मानेंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो दो ही स्टॉल फेमस है बस, विजय डेयरी को स्ट्रीट में नहीं कंसिडर करेंगे ना, हमारे डेफिनेशन में नहीं आ रही है वो। तो वी आर थिंकिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। आज का हमारा कोई स्पॉट डिसाइडेड नहीं था, हम लोग ने पहले पालनपुर पाटिया सोचा था लेकिन वहाँ पे नहीं गए, तो अभी हम लोग आ गए हैं तरावी पे। शॉप को 25 से 30 साल हो गए, हमने स्टार्ट किया था लेग पीस और इससे सीना पीस से 10 रुपए से हमने स्टार्ट किया था। मेरे 80 साल हो गए बेटा यार, हम लोग तीसरी पेड़ यहाँ 25 साल पुरानी है मेरी दुकान, मेरी तो 4 साल ही हुए। लोगों का बहुत बहुत एहसान है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारा जॉनी चिकन सेंटर आप नाम सुन के आए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। रांदेर यहाँ खोड़िया नगर में, यहाँ पे तलावड़ी में पुराने पुरानी दुकान है जॉनी चिकन सेंटर और बॉम्बे रेस्टोरेंट है, झटपट मिठाई है और नसीब जूस कॉर्नर बहुत पुराने। तलावड़ी बाजार ऐसा है कि यहाँ पे कोई गरीब आदमी भी आकर नहीं यहाँ पे जूस पीना उसका मन हो, जूस भी सस्ते से सस्ता और खाना पीना भरपूर पेट भर कर 50 रुपये में आराम से वो पेट भर सकता है, ऐसा हमारा बाजार है। एकदम रिजनेबल हमने बाजार रखा है, सब पब्लिक को देखते करते हुए हम लोग ने ये रेट रखा है। जैसा पापा का एक्सीडेंट हो गया था, फिर पापा ने बैठ के बस ये जूस की लाड़ी खोली, शरबत की लाड़ी, और उससे चालू किया। यहाँ पे कुछ प्लान नहीं किया था लेकिन वी केम टू नो कि ये भी 25-30 ईयर्स ओल्ड सूरत में फूड मार्केट है, 11 o'clock तक रहता है। नॉन वेजिटेरियन को यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल सकते हैं। कितना गर्म है ये, तो कुछ भी नहीं, मई महीने में तो खड़े भी नहीं रह सकते। आप बनाते हो आंटी सब? क्या नाम है आपका? नौशीन। आवाज तो आएगी ना, चलेगा यूएसए चाहिए ना। और आंटी कितने बजे से काम पे लगते हो आप? सुबह 6 बजे से। कब से बना रहे हो? क्योंकि 12 बजे अपने को तैयार कर देना पड़ता है, हाँ। उसके बाद अपने को 12-2 में फिनिश करना रहता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सब जगह पे बिरयानी मिलती है। पहले हमसे स्टार्टिंग में कितने साल हुए आपको? मेरे को तकरीबन 8 साल हो गए। आज हम लोग कहाँ पे, ये पूरी बिरयानी गली नाम से मैं इसको बोलती हूँ, यहाँ पे सबसे पुरानी स्टोर है वो है, पुरानी शॉप है वो है अल खलीफा चिकन बिरयानी, नानपुरा तिमलिया वार्ड की जो नजदीक। ये मेरा फ्रेंड है रेकान, मेरे साथ पहले जूनियर था। टोटल 12-13 शॉप्स है भाई यहाँ पे सिर्फ बिरयानी।
और ये क्या है एप्पल टिक्का? ये मुच्छू चिकन की स्पेशल वेराइटी है, इसको सेकने के बाद में इसके ऊपर अमूल का फ्रेश क्रीम और चीज आ रहा है। This one we came for, this we are having extra because of him and probably her as well. So ये particular place पे variety इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे unique चीज़ ये है कि they are serving some आलू, मतलब वो जो चटपटे आलू होते हैं वो, और दूसरा यहाँ पे famous है देयर चिकन दाबेली, मतलब वी आर यूज टू ईटिंग नॉर्मल दाबेली बट यहाँ पे चिकन दाबेली मिलती है, सो वी आर गोना कवर दैट इन दिस पर्टिकुलर क्लिप। सो एज यूजुअल यहाँ पे बाकी के शॉप्स में कोई वीडियो लेने की परमिशन मिली नहीं, तो मैं अगर मैंने कुछ जो टेस्ट किया यहाँ पे और आई एम गोना सजेस्ट यू चिकन दाबेली, देन दैट हैज टू बी ओनली चिकन दाबेली, नथिंग एल्स। बहुत अच्छा भी था। एक सौ दस साल पुरानी होटल है हमारा, ये चौथी पीढ़ी है ये। इनको ये जापा बाजार के एंट्री का इधर है, इनके लड़के हम बाहर है क्या, इंडियन के वहाँ पर है। कब से रिक्शा चला? 20 साल हो, कम से कम 50 वर्ष से ही है। ये हमारी दुकान हमारी 12 हांडी है, सुबह खुलती है 5 बजे, इसको 100 साल हो गए हैं, हमारे अब्बा के अब्बा दादा के टाइम की है। So we just thought to have this thing out of the street experience. This is in Montanus somewhere. This is our 7-day 7-foot streets ka, ye aaj last day hai. एक्चुअली हमारा 6 डे इतना सक्सेसफुल हुआ, अदरवाइज बाकी तो सारे सक्सेसफुल हुए थे। इसके अलावा भी सूरत के हर कॉर्नर में स्ट्रीट फूड का हब आपको अवेलेबल मिलेगा। मैंने जो प्लेसेस वो कवर किया, होप यू एंजॉयड द वीडियो। व्हाट इज योर फेवरेट स्ट्रीट फूड स्टॉल, यू मे लाइक टू कमेंट बिलो एंड स्टे ट्यून, बाय।